नानीमा वाले एपिसोड में हम तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आर यू रेडी? लोग क्या कहेंगे, ये हमारा पहला टॉपिक है। अपने से दूसरे सेक्स के साथ बात करना बहुत गलत बात है, उसी से सारी फसाद की जड़ चालू होती है। इसीलिए अपने ही किसी सेक्स की लड़की या लड़के से आप अपना संबंध बनाए, पर उससे शादी ना करें, उससे प्यार भी ना करें। वो तो आप दूसरे सेक्स के साथ करते हैं, पर बात करना बिल्कुल अलाउड नहीं है, ठीक है? बाहर की गंदगी, ये हमारा सेकंड टॉपिक है। वैसे तो बाहर इतनी मिलावट होने लग गई है कि पानी भी पानी नहीं रहा। अब आप अगर लड़के हैं तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। आपको बस सिर्फ शादी करनी है, और ऐसी लड़की से शादी करनी है जिसे मैगी, चाय और पानी उबालने से ज्यादा चीजें आती हो, फिर आपकी लाइफ सुखद है। पर अगर आप लड़की हैं तो आप लड़की से शादी नहीं कर सकती। लोग क्या कहेंगे, है ना? तो आपको खाना बनाना सीखना पड़ेगा। चलो लग जाओ गोल गोल रोटियां बनाने के लिए। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि पार्टी में क्या पहन के जाना चाहिए। खैर लोग तो उसके बारे में बोलते हैं, पर मैंने अपने दिनों में बहुत पार्टी की है, इसलिए ये क्वेश्चन अराइज होता है कि पार्टी में क्या कपड़े पहन के जाना चाहिए। अगर आप लड़के हैं तो आप कुछ भी पहन के जाइए, आपको इस सोसाइटी में एक्सेप्ट कर लेंगे। पर अगर आप लड़की हैं तो मेक श्योर कि आपकी चीली कवर्ड है, टूटी कवर्ड है, और पेट तो साड़ी में भी दिख जाता है, तो वाई नॉट पैर सारी एंड गो टू द पार्टी, जहाँ पे आप हवा के साथ अपनी दुपट्टे को उड़ा सकती हैं और लड़कों का मन ललचा सकती हैं। एट द सेम टाइम आप संस्कारी भी रह सकती हैं। ये मैंने किया था अपने जवानी में। सीक्रेट हाँ, साड़ी पहन के जाना नेक्स्ट टाइम। और इसी के साथ हमारा आज का ज्ञान बंद होता है। अपनी लाइफ में खुश रहो, पर ये याद रखो, अगर आप लड़की हो तो आप अकेले खुश नहीं हो सकती, क्योंकि आपको तो सबको खुश करना है। सबको खुश रखो, और अगर आप लड़के हो